अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे कि किस तरह जो हमारे पास सब्सटेंस है और मॉलिक्यूल्स है वो डिफ्यूज़ होता है गैस में और लिक्विड में। देखिए, अगर हम एक कंटेनर लें और उसमें हम गैस को बंद कर दें तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ईजली इधर से उधर फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है और इनमें कोई इतना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि हमें गैस की स्मेल भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक परफ्यूम लें तो हम जो परफ्यूम लगाते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है वो हमारे पास H2S गैस होती है, और जो सब्सटेंस होता है वो स्प्रेड अगर हो जाए मीडियम में यानी एयर में और लिक्विड में तो हम उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जो रेट होता है डिफ्यूजन का सब्सटेंस का वो डिपेंड करता है मोलर मास पे और उसकी डेंसिटी पे। हमारे पास एक स्कॉटिश केमिस्ट थॉमस ग्राम, जिन्होंने 1846 में रेट ऑफ डिफ्यूजन की स्टडी की थी, उन्होंने ये कहा था कि जो डिफ्यूजन गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मोलर मास या डेंसिटी के, यानी कि जो हमारे पास लाइटर गैस होती है वो आसानी से और फास्टर डिफ्यूज़ हो जाती है, और जो हमारे पास हैवियर गैस होती है वो डिफ्यूज़ होने में टाइम लेती है। एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस जो है वो ईजली डिफ्यूज़ हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन गैस जो है वो टाइम लेती है डिफ्यूजन में। उसके बाद है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन सॉलिड गैस एंड गैसेस के। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी ईजली एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पर जो इसका डिफ्यूजन रेट होता है वो स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू गैस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हम 2-3 ड्रॉप्स डालें इंक के तो वो छोटे छोटे निकलते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। होपफुली आपको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।